हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स? मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 9 में एक्सरसाइज 9.1 को आज हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 लिया है, तो इसमें कह रखा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई ए रैशनल नंबर। आप रैशनल नंबर से क्या समझते हैं? राइट एनी 5 रैशनल नंबर्स, और आपको 5 रैशनल नंबर लिखने हैं, ठीक है। तो ये पहले वीडियो में मैंने बताया था, फिर बता देता हूँ यहाँ से। ये इसमें दे रखा है रैशनल नंबर की डेफिनेशन, द नंबर ऑफ द फॉर्म पी अपॉन क्यू, एक ऐसा नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, जहाँ पर पी और क्यू है वो इंटीजर हैं एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, और क्यू है वो जीरो के बराबर नहीं है, इज़ कॉल्ड ए रैशनल नंबर। तो इस तरह के नंबर को हम रैशनल नंबर कहते हैं। और ये एग्जाम्पल्स दे रखे हैं रैशनल नंबर के, जैसे 7/8 है, -8/9 है, -5/9 है, और 3/5 है, 6/7 है, और ऑल रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं? रैशनल नंबर हैं, ठीक है। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, जैसे ये आपका पी हो गया, ये क्यू हो गया, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो गया, और पी और क्यू दोनों क्या हैं? ये इंटीजर्स हैं, ठीक है, और क्यू है वो जीरो नहीं है, यानी नीचे जो लिखा जाता है डिनोमेटर है वो आपका जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। अभी हम सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन में राइट द नोमेटर एंड डिनोमेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर आपके दिए हुए हैं, तो इनके नोमेटर और डिनोमेटर आपको लिखने हैं। तो यहाँ से ये फर्स्ट वाला लिया मैंने, तो फर्स्ट के लिए नोमेटर जो है वो ऊपर लिखा जाता है, डिनोमेटर वो नीचे लिखा जाता है। तो फर्स्ट जो है उसका लिए, उसके लिए नोमेटर आपका कितना रहेगा? -148, और उसका डिनोमेटर है वो कितना रहेगा? -249, ठीक है। अभी सेकंड पार्ट को हम देख लेते हैं। तो 7/13 है, तो 7 क्या है? ये तो न्यूमरेटर है, तो 7 तो यहाँ आ जाएगा न्यूमरेटर के सामने, और डिनोमेटर कितना आपका? डिनोमेटर ये 13 है, तो डिनोमेटर यहाँ पे 13 आ जाएगा, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। राइट 0 एज ए रैशनल नंबर, ठीक है, सॉरी 0 को आपको फ्रैक्शन के रूप में लिखना है, रैशनल नंबर के रूप में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये लिखा है राइट 0 एज ए फ्रैक्शन, तो 0 को फ्रैक्शन की तरह से लिखवाया गया है। तो फ्रैक्शन के लिए कह दो, चाहे रैशनल नंबर की फॉर्म में कह दो, वही होता है उसमें। तो इसका आंसर हम लिखेंगे 0/1, 0 के अपॉन में 1 कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो ये आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में हो जाएगा ये, और रैशनल नंबर की फॉर्म भी आपकी यही होती है। जैसे हम लोग और भी लिख सकते हैं 0 को, जैसे मैंने 0/5 लिखा, 0/8 लिखा, तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये जीरो ही होते हैं, और ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, और इनको रैशनल नंबर की फॉर्म में भी बोला जा सकता है, क्योंकि ये रैशनल नंबर भी हैं और फ्रैक्शन भी हैं, दोनों चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर जो है वो मैंने 3 बता दिए हैं, आप लोग इसको लिख सकते हैं, किसी को भी लिख सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग इसका सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। राइट एनी 3 नेचुरल नंबर एज ए रैशनल नंबर, आपको 3 नेचुरल नंबर हैं उनको रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है। तो आंसर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे मैंने लिखा, यहाँ पे 6 लिखा, यहाँ पे 7 लिखा, और ये 8 लिखा, ठीक है। तो ये सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं। अभी ये नेचुरल नंबर हैं तो रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखेंगे, तो इसके अपॉन में भी मैं 1 कर देता हूँ, इसके अपॉन में 1 कर देता हूँ, इसके अपॉन में भी 1 कर देता हूँ। तो ये सारे रैशनल नंबर की फॉर्म में हो गए हैं, नेचुरल नंबर ये, ठीक है। तो 6/7/8 है, क्योंकि 6/1 क्या होता है? 6 ही होता है ना। तो इस तरह से ये हम लिख सकते हैं। अभी नेक्स्ट है, राइट एनी 3 नेगेटिव इंटीजर एज ए रैशनल नंबर। 3 नेगेटिव इंटीजर आपको लेने हैं और उसको रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है। तो इसका भी आंसर हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो आप इंटीजर कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मैंने 5 लिया, -7 ले लिया है, और यहाँ पे -9 ले लिया, ठीक है। तो इसके अपॉन में मैंने 1 लिखा, इसके अपॉन में 1 लिखा, और इसके अपॉन में 1 लिखा। तो ये आपके रैशनल नंबर की फॉर्म में हो गए, -5/1, -7/1, -9/1, ये आपके रैशनल नंबर है सारे के सारे। और जैसे -5 को बोला जाए, तो ये क्या आपका ओनली -5 को कहेंगे, तो ये नेगेटिव इंटीजर है, ये भी नेगेटिव इंटीजर, ये भी नेगेटिव इंटीजर। और भी लिख सकते हैं हम लोग, जैसे जैसे आपका जैसे 11 है, इसके अपॉन में 1 कर दिया मैंने, तो अपॉन में 1 रखना आपको, ठीक है। तो ये हमारे लिए आसान हो जाता है, अपॉन में 1 लिखना उसको, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन हो गया था। अभी हम लोग इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन है ये। और फोर्थ क्वेश्चन में आर द फॉलोइंग रैशनल नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स, इसमें ये जो आपके रैशनल नंबर दिए हैं, इनको ये बताना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले एक वीडियो आया था, उसमें मैंने बताया था कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमेटर के दोनों के साइन सेम है,
तो आपका वो पॉजिटिव रैशनल नंबर होता है, और दोनों के साइन अपोजिट साइन है तो वो क्या होता है, नेगेटिव रैशनल नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं, यहाँ से ये फर्स्ट पार्ट इसका -4/5 है, तो ये यहाँ के साथ, यहाँ इसके साथ माइनस साइन, इसके साथ प्लस साइन है, तो दोनों अपोजिट साइन हो गए ना, तो ये क्या आएगा, इसमें हम ये लिखेंगे नेगेटिव। ये नेगेटिव है, नेगेटिव रैशनल नंबर। ठीक है, अभी इसको दूसरे को देख लेते हैं, दूसरा पार्ट इसका है जी -5000 है, ये -11000 है। ठीक है, तो दोनों ही माइनस के हैं, तो दोनों साइन आपके सेम है, सेम साइन अगर होते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव रैशनल नंबर, ये पॉजिटिव रैशनल नंबर हो गया। अब इसमें देख लेते हैं, यहाँ से इसमें ये 3 के साथ तो माइनस साइन, और ये 21 है इसके साथ प्लस साइन है, तो दोनों अपोजिट साइन हो गए ना, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस है, तो अपोजिट साइन है, तो क्या आएगा, कौन सा आता है वो अपोजिट साइन में, नेगेटिव रैशनल नंबर आता है। ये नेगेटिव रैशनल नंबर हो गया। अब इसमें भी यही देखना है आपको, यहाँ पे तो पॉजिटिव है 3 के साथ, तो यहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है, ये ऊपर जो न्यूमरेटर है वो तो पॉजिटिव इंटीजर है, और ये नेगेटिव इंटीजर है, तो दोनों के साइन अपोजिट हैं। ठीक है, तो ये भी क्या आएगा आपका, नेगेटिव। सॉरी, नेगेटिव रैशनल नंबर लिखना है इसमें, नेगेटिव रैशनल नंबर है ये। ठीक है, तो आपको इस तरह से ये अपने क्वेश्चंस हैं ये सोल्व कर लेने हैं, और अभी होमवर्क का टाइम हो गया, तो होमवर्क में आपको क्या करना है, सोल्व एक्सरसाइज 9.1 इन फेयर नोटबुक। आपको एक्सरसाइज 9.1 को फेयर नोटबुक में बहुत ही अच्छी तरह से सोल्व कर लेना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।